हम पढ़ रहे थे यहाँ पे इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन और इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन है कि कितने टाइप की इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन थे उनको पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड ड्राफ्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगाई जा सकती है एज एन इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन वो है एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड तो कई बार जो है कोई सूट कोर्ट में पेंडिंग होता है उस टाइम पर आप डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड करने के लिए भी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर लगा सकते हैं द जनरल रूल इज़ दैट द डॉक्यूमेंट स्पोर्टिंग द साइड शुड बी प्रजेंटेड बाई द पार्टीज बिहोर फ्रेमिंग द इशू तो जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवाने हैं वो इशू फ्रेम होने से पहले कोर्ट में दोनों पार्टीज के थ्रू जमा करवा देने चाहिए अलॉन्ग विद द प्लेट एंड रिटर्न स्टेटमेंट बट समाइम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन द डॉक्यूमेंट आर कैप्ट अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है डॉक्यूमेंट जो है प्रोडक्शन uh, uh, नहीं हो पाते उनको प्रोड्यूस नहीं किया पा जाता है टाइम पे देयर फॉर इन सच केसेस एनी पार्टी कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर थर्टीन रूल टू ऑफ द कोड फॉर द सिविल प्रोसीजर टू टेक इट्स डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड तो इसी सिचुएशन में जब डॉक्यूमेंट जो है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू जमा नहीं कर पा पा किए जा सके हैं अनडेबल रीज़न की वजह से तो ऑर्डर थर्टीन रूल टू के अंडर जो है सी पी सी के अंडर जो है एप्लीकेशन लगाई जा सकती है डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड करने के लिए ये ओरिजिनल टेक्स की लैंग्वेज लिखी गई है इसको आपने नहीं देखना है सिर्फ आपने बता देना है कि कौन सा ऑर्डर है कौन सा रूल है इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगाई जा सकती है इंटरल्यूटरी एप्लीकेशन वो है अमेंडमेंट इन द इशू तो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन इशू भी कोर्ट में एज एन इंटरिक्यूट एप्लीकेशन लगाई जा सकती है मींस जनरली क्या होता है कि इशू जो है फ्रेम किए जाते हैं बाय कोर्ट उसमें एटमोस्ट केयर वहाँ पे होती है लेकिन फिर भी उसमें कोई एरर या मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है तो उस सिचुएशन में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इशू अच्छे से फ्रेम नहीं हुए हैं क्योंकि सिविल मैटर में इशू फ्रेम किए जाते, है। जाते हैं जैसे क्रिमिनल मैटर में चार्ज लगाए जाते हैं उसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं सिविल मैटर में इशू फ्रेम किए जाते हैं सो so, अगर इशू अच्छे से फ्रेम नहीं हुए हैं तो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि इशूज को अच्छे से वहां पे फ्रेम किया जा सके किस तरीके से लगाएंगे इशू आर मेड बाय द कोर्ट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लीडिंग्स ऑफ द बोथ पार्टीज अलोंग विद द इशू आर क्रिएटेड क्रिएटेड विद द विदमोस्ट केयर इट इज नेचुरल फॉर देम टू बी लेफ्ट विद एरर और मिस्टेक सम टाइम इन इशू रिमेन और बिकम एन अननेसेसरी इशू इन सच प्लीडिंग सिचुएशन एन एप्लीकेशन फॉर द चेंज फॉर दबेड अंडर ऑर्डर कोर्ट ऑफ सिविलोसी जीरो एट तो ऐसी में जब इशू अच्छे से फ्रेम नहीं हुए हैं तो एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप ऑर्डर फोरटीन रूल फाइव के अंडर यही आपको बताना है ये ऑरिजिनल टेक्स की लैंग्वेज लिख रखी है इतना इतना आप बता दें आप सिर्फ नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर टेकिंग लीगल रिप्रजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड कई बार क्या होता है कि कोई केस जो है कोई सूट जो है प्लेंटिव डिफेंडर में पेंडिंग होता है कोर्ट में और किसी प्लेंटिव या डिफेंडर की डेथ जो है वहाँ पे हो जाती है उस सिचुएशन में तो उसके प्लेस पे जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ऑन रिकॉर्ड करना होता है उनको पार्टियाँ बनाना होता है तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टीज जो है इन प्लेस ऑफ प्लेंटिव डिफेंडर लगा सकते हैं मैनी अ टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सूट इधर ऑफ द प्लेंटिव और द डिफेंडेड डाइज इन सच सिचुएशन द सूट डज नॉट अपडेट इन प्लेस ऑफ द डिजीज प्लेंटी फॉर डिफेंडेड हिज लिजिटिड रिप्रेजेंटेटिव बी सब्सटीटेड तो अगर प्लेंटी व डिफेंडेड की डेथ हो हुई तो केस ख़त्म नहीं हो जाता सूट खत्म नहीं हो जाता है होता क्या है कि डिजीज प्लेंटी व डिफेंडेड जो होते हैं उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको उनके प्लेस पर पे सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है तो इसके लिए ऑर्डर ट्वेंटी टू रूल थ्री और फोर के अंडर जो है सी पी सी के अंडर एप्लीकेशन जो है वो लगाई जा सकती है नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ़ द कमिश्नर तो आपने सी सी में पढ़ा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर की जा सी जाती है कोर्ट कभी भी किसी कमिश्नर को किसी पर्टिकुलर केस में अपॉइंट कर सकता है उसके पीछे के रीज़न होते हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये भी एक इंटरलिक्यूटी एप्लीकेशन होती है कोई भी पार्टी या दोनों पार्टीज कंबाइंडली जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे लगा सकती है किसी पेंडिंग सूट में तो देखिए इन द सिविल केसेस ऑल द ऑल द प्रोसीडिंग आर डन बाय द कोर्ट एंड इन द कोर्ट इट्स तो हालांकि सिविल मैटर में क्या होता है कि सारी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट कंडक्ट करती है और कोर्ट के सामने सारी प्रोसीडिंग होती है बट देर आर सम एक्ट्स विच आर नीदर पॉसिबल टू बी डन बाय द कोर्ट लेकिन कई बार कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको कोर्ट के सामने नहीं किया जा सकता है क्योंकि सिविल मैटर में सारी चीज़ें कोर्ट के सामने होती हैं कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोर्ट के सामने नहीं की जा सकती हैं इट कैन बी डन इन द कोर्ट इट क नॉट बी डन इन द कोर्ट उनको कोर्ट में नहीं किया जा सकता एज सच ये जो कारण बता रखे हैं जो कि कोर्ट के सामने कई बार नहीं भी हो सकती हैं चीज़ें जैसे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हु के नॉट अपेयर इन द कोर्ट कई बार विटनेस की हालत इतनी खराब होती है कि उसको कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं किया जा सकता लोकल एक्सप्लोरेशन को आप नहीं देख सकते हैं कोर्ट में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को नहीं देख सकते हैं मिनिस्ट्रियल वर्क कोई है तो उसको कोर्ट में नहीं किया जा सकता है सेल ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी किस तरीके से आप नहीं देख सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे करेंगे डिविजन ऑफ ट्रिमूरल प्रॉपर्टी को आप नहीं दे सकते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कोर्ट के सामने नहीं हो पाती कोर्ट के अंदर नहीं हो पाती हैं जैसे कि ये रीज़न बता रखे हैं दीज बट्स आर डन थ्रू द कमिश्नर और ऐसी चीज़ें जो कोर्ट के कोर्ट में नहीं हो पा सकती हैं उनको जो है विद द हेल्प ऑफ कमिश्नर किया जाता है तो एक कमिश्नर की अपॉइंट की जाती है वो कोर्ट का ऑफिसर होता है वो इनमें से अगर कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर स्पॉट पर जाएगा उस चीज़ को देखेगा और अपनी रिपोर्ट जो है फिर कोर्ट को देगा अगर गवाही लेनी है तो गवाही लेगा फिर कोर्ट में आगे दे देगा अगर कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना है तो साइंटिफिक को अपॉइंट करेंगे एज ए कमिश्नर वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देगा अगर इमुल प्रॉपर्टी की डिवीजन करनी है तो वो ग्राउंड पे जाएगा जहाँ पे प्रॉपर्टी को डिवाइड करना और उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट को देगा इस तरीके से कमिश्नर के काम ये होते हैं फॉर द नेसेसरी प्रोविजन हैज बीन मेड इन सेक्शन सेवनटी फाइव एंड ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन ऑरिजिनल टैक्स तो ये ओरिजिनल टैक्स में चीज़ें बता रखी हैं आपने सिर्फ ये बता देना है कि सेक्शन फाइव सेवेंटी फाइव है ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स में जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए एप्लीकेशन जो है एक लगाया जा सकती है उसके ये, ये कारण जो है वहाँ पर हो सकते हैं अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग किस तरीके से हम एक एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट द कमिश्नर कोर्ट सिविल जज के पास किस तरीके से आप लगाएंगे तो क्या फॉर्मेट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर सिविल जज जूनियर डिवीजन कानपुर इस तरीके से आप एप्लीकेशन uh, सबसे पहले कोर्ट का नाम लिख सकते हैं उसके बाद पार्टीज के नाम होते हैं आपको ये पता सारा सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन लगाया हुआ है यहां पे और एप्लीकेशन किस पर्पज से लगा रहे हैं आप एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स सिविल प्रोसीजर कोड अब यहाँ पे आप क्या डिमांड कर रहे हैं देखिए परमानेंट इंजेक्शन की एप्लीकेशन लगी केस uh, लगा हुआ है प्लेट लगी हुई है अब इस प्लेट क्योंकि अब ये पेंडिंग है कोर्ट में केस सूट पेंडिंग है तो आप एक एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं जहाँ पे आप जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं देखिए किस तरीके से करेंगे इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर द प्लेटिव एप्लीकेंट दैट सबसे पहले तो आप उस केस के बारे में बताएंगे जो कि कोर्ट में चला हुआ है सबसे पहले द पलेंटिव हैज प्रजेंटेड केस ऑफ परस ऑफ परमाट इंजन अगेंस्टेंडेड इन द कोर्ट तो यहाँ पे प्रेंटिव uh, जो थोड़ा एडवोकेट पहले से यह बता रहे हैं कि परमानेंट इंजेक्शन का केस जो है अगेंस द डिफेंडेड कोर्ट में चला हुआ है ठीक है टेम्परे इंजेंशन हैज ऑल्सो बीन सब बाय देंटिव अपीलेंट अलॉन्ग विद द प्लेंट इन विच द रिस्पॉन्डेड अपलेंट हैज बीन रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वन इन द डिस्प्यूट प्रमाइस इसके अलावा एक टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगाई गई है ताकि जो है एक सूट है जहाँ पे प्रॉपर्टी को जो है इंक्रोचमेंट uh, की जा रही है तो उसको रोकने के लिए उसको इमीडिएट रोकने के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वन को रोकने के लिए जो है uh, वहाँ पे एक एप्लीकेशन टेम्प्रेरी इंजेक्शन की भी लगा रखी है अंडर द ऑर्डर ऑफ द डेट उसके बाद टेम्प्रेरी इंजेक्शन के अंडर जो है काम को रोकने का वहाँ पर जो है ऑर्डर uh, किया गया कोर्ट ने दिया बाय कोर्ट द हैज़ बीन रिस्पॉन्डेडिकटेड टू मेंटेन द स्टेटस को टिल द डिस्पोजल सूट तो टेम्प्रेरी इंजेक्शन के थ्रू जो परमानेंट इंजेक्शन की एप्लीकेशन कोर्ट ए, सूट जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है जहाँ परमानेंट इंजेक्शन की आ, जो है एप्लीकेशन लगा रखी है इस सूट के अंदर जो है प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वहाँ पे किसी प्रैक्टी की प्रॉपर्टी में डिफेंडेंट ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है तो उसके लिए उसको रोकने के लिए एक टेम्प्रेरी इंजेक्शन की फाइल एप्लीकेशन भी फाइल वहाँ पे की गई है जिसका ऑर्डर भी कोर्ट ने दे दिया था इतनी तारीख को और उस डिफेंडेंट uh, को स्टेटस को बोला गया था जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज बीइंग डन बाय द रिस्पॉन्डेड एप्लीट इन मैसेज कोर्ट के ऑर्डर हो जाने के बाद भी अभी भी डिफेंडेंट ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो चालू है चालू रखा है दिस एक्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेड एप्लीकेंट नीड नॉट टू बी ब्राउड ऑन रिकॉर्ड और ट्वेंटी जो ये एक्ट जो है जो, जो जो डिफेंडर का जो ये एक्ट है इसको कोर्ट के रिकॉर्ड में लाना जो जरूरी है इसीलिए देर फॉर इट इज प्रे दैट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर शुड बी गिवन टू ब्रिंग द सिचुएशन ऑन द रिकॉर्ड इसलिए वो प्रे कर रहा है कि यहाँ पे एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जाए जो कि मौके वारदात पे उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे जाके देखे कि कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है तो इस तरीके से आप जो है एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में किस तरीके से आप एक कमिश्नर की आ, की अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लगा सकते हैं ये आपने देखा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो एज ए इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं ड्यूरिंग एनी सूट वो है एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर तो रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए भी आप कोर्ट में एक एंटीलिक्यूटरी एप्लीकेशन लगा सकते हैं देखिए कई बार जो होती है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में होती है और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि उस प्रॉपर्टी को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि स्वैद डिसीज़न सारा नहीं आ जाता है तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं रिसीवर कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ा कि रिसीवर की अपॉइंटमेंट जो है कोर्ट uh, कर सकता है जब तक कि कोर्ट कंपनी की सारी जो है लाइबिलिटीज़ वहाँ पे जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को वहाँ पे जो है आ, आ, को सेल ना करके सारी देनदारियाँ जो है कंपनी की पूरी ना कर दी तब तक जो है एक रिसीवर की अपॉइंटमेंट करती कर दी जाती है और रिसीवर जो है उस सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और सारी सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी वहाँ पे करवाता है इस तरीके से रिसीवर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर सम टाइम बिकम इट बिकम नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द लिटिगेशन प्रॉपर्टी टिल द डिस्पोजल कई बार ऐसा होता है कि जब तक कि सिविल मैटर में कोर्ट का फाइनल डिसीज़न नहीं हो जाता जो लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है जो जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है उसको जो है प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीज़न नहीं आ जाता व्हेन इट डिपेंड टू द कोर्ट दैट अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन और ऑफिसर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन तो जब कोर्ट को ये लगता है कि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीज़न नहीं आ जाता उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उस प्रॉपर्टी को uh, जो है सेफ uh, रखने के लिए किसी ऑफिसर को अपॉइंट वहाँ पे किया जा सकता है इट मे मेक सच अपॉइंटमेंट तो ये जो अपॉइंटमेंट है किसके रिगार्डिंग की जा सकती है प्रॉपर्टी की रियलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी uh, के मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी की शील्डिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी की इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या कलेक्शन ऑफ द रेंट ऑफ द बेनिफिट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रेंट और बेनिफिट कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको रिसीवर कलेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ द रेंट ऑफ बेनिफिट रेंट ऑफ बेनिफिट की एप्लीकेशन के अंडर रिसीवर की अपॉइंटमेंट तो इन परपज़ के लिए प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए उसकी इंप्रूवमेंट के लिए या रेंट बेनिफिट को कलेक्ट करने के लिए या रियलाइजेशन के लिए कि उसकी कितनी वैल्यू है इन सभी चीज़ों के लिए रिसीवर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जा सकती है सच अ पर्सन और ऑफिसर इस कॉल रिसीवर और इसी को क्या बोला जाता है रिसीवर बोला जाता है एनी पार्टी कैन सबमिट एन अपलीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट रिसीवर कोई भी पार्टी चाहे वो प्लेंटी डिफेंडेड है वो एप्लीकेशन uh, लगा सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अंडर ऑर्डर फोर्टी ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो ऑर्डर फोर्टी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे बता रखा है तो किस कंडीशन में लगाया जा सकता है ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया है सारी चीजें आपने यहाँ तक ही बताना है अब इसके रिगार्डिंग एक जो है एप्लीकेशन जो है वहाँ पे ड्राफ्ट कर लेते हैं तो ये है आपके पास एप्लीकेशन किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट रिसीवर से रिलेटेड एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं ये बता रखा है यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इंदौर आ गया पार्टीज़ के यहाँ पे नाम आ गए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और आपको यहाँ पे बताना है पहले तो आपको सूट बताना है किसके रिगार्डिंग है जो ऑरिजिनल सूट चला उसके बारे में बताना है सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ एनसल प्रॉपर्टी तो एनसेसल पुश्तानी प्रॉपर्टी की पार्टीशन सिलिट सूट चला हुआ है और इस सूट के अंडर जब अभी ये सूट कोर्ट में पेंडिंग है आप ऑर्डर फोर्टी के अंडर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं कि रिसीवर की अपॉइंटमेंट वहाँ पर की जाए तो किस तरीके से करेंगे ये देखें आप इट इज़ हम्बर रिक्वेस्ट टू प्लेंटिव एप्लीकेंट दैट सबसे पहले तो जो केस चला उसके बारे में बताएगा द प्लेंटिव एंड आर रियल ब्रदर्स एंड द प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ऑन द थ्री ब्रदर्स इज लोकेटेड इन द सर्वोदया नगर इंदौर द कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी आर एज फॉलो तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि प्लानिव डिफेंडेड जो है वो रियल ब्रदर्स हैं और उनके पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी है एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको सभी ऑन करते हैं और ये प्रॉपर्टी जो सर्वोदया नगर में है और इस प्रॉपर्टी के रेटेड डिटेल उन्होंने बता रखी है दूसरा द दिस प्रॉपर्टी इज अनडिवाइडेड और एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये अनडिवाइडेड पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस चला हुआ है द समय फॉर द सम टाइम देयर हैज़ बीन अ डिस्प्यूट बिटवीन द थ्री ब्रदर्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एंड इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू ऑल थ्री टू लिव टूगैदर तो uh, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तीनों भाइयों में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और तीनों भाइयों के लिए यह मुश्किल है कि वो उस प्रॉपर्टी में अब जो है रह सकें द द हैज रिक्वेस्टेड दिगेंट टू डिवाइड दिस प्रॉपर्टी मैनी टाइम

फॉर सम टाइम नाउ द डिफेंडेंट आर डिस्ट्रॉइंग द एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड गिविंग इट ऑन द रेंट आर्बिटरली तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफेंडेंट जो है वो एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को खत डिस्ट्रॉय कर रहा है साथ में उसने जो है बिना उसकी परमिशन के उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया क्योंकि वो एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है सभी भाइयों का बराबर का हक बनता है तो कोई भी एक मेम्बर जो है दूसरे मेंबर की कंसेंट के बिना कोई भी काम वहाँ पर नहीं कर सकता है द प्लेंटिव एप्लीकेंट इज ऑल्सो बींग डिराइव ऑफ द रेंट एंड द डैमेज टू देर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो बींग कॉज्ड तो प्लेंटिव एप्लीकेंट जो है उसको उस रेंट का हिस्सा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है जो कि एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है प्लेंटिव एप्लीकेंट इज एन ओल्ड पर्सन ऑफ एटीन एटी ईयर एंड ही इज एन एबल टू मैंटेन द मैनेज द इंटायर प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली प्लेंटिव जो है वो अस्सी साल का जो है बूढ़ा पर्सन है और वो उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पा रहा है द रिसीवर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इंस इसीलिए इस केस को नजर रखते हुए अब यहाँ पे एक रिसीवर की जो है अपॉइंटमेंट जरूरी है जो कि इस प्रॉपर्टी को तब तक होल्ड करे या इसके बेनिफिट और एंड तब तक होल्ड करे जब तक कि सूट प्रॉपर्टी जो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती इसलिए वो वहाँ पर रिसीवर की अपॉइंटमेंट चाहते हैं देयर फॉर इट इज रिक्वेस्टेड अब वो लीव मांगेगा इट इट इज रिक्वेट रिसीवर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट तो यहाँ पर प्लेंटिवेयर कर रहा है कि इसीलिए जो है रिसीवर के अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जानी चाहिए ताकि प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन हो सके उस डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की तो सिग्नेचर आ जाएंगे प्लेटिव फैमिली के वेरफिकेशन आपको पता किस तरीके से करनी है उसके बाद जो है सिग्नेचर प्लेटिड एप्लीकेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे एडवोकेट के प्लेस आ जाएगा और डेट वहाँ पर आपको लिखनी है नेक्स्ट इंटलीकूटरी एप्लीकेशन जो फाइल की जा सकती है कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट एप्लीकेशन फॉर द अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट तो आपने सीपीसी में ये पढ़ा था ऑर्डर थर्टी एट ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर जो है किस कंडीशन में किसी पर्सन को बिफोर द जजमेंट जो है उसकी प्रोपर्ट उस पर्सन को अरेस्ट या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है तो अगर कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है और ट्वेंटी या डिफेंडेड उनमें से कोई भी जो है प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है क्योंकि अब उस पर स्टेटस को होता है वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टेटस को होती है उसको जो है किसी भी तरीके की उसमें कोई डैमेज या अल्ट्रेशन नहीं की जा सकती अल्टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट अगर कोई भी पार्टी कोई भी कोर्ट जो है कोई भी पार्टी ऐसा करने की कोशिश करती है तो उस कंडीशन में जजमेंट से पहले ही जो है पर्सन को अरेस्ट या अटैच किया जा सकता है इसके लिए आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं कि इस तरीके से एक प्रॉपर्टी है जिसपे केस चला हुआ है और कोई पार्टी जो है उस आ, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय या ट्रांसफ़र या भागने की कोशिश कर रही है तो उसको अरेस्ट या प्रॉपर्टी को अटैच वहाँ पर किया जा सकता है इट इज़ कॉमन थिंग द आर द सिविल केसेज द often try to delay the trial of the case or try to avoid the execution of the decree passed against them. तो ये कॉमन है सिविल uh, केसेस में कि ऑपोजिशन जो होता है कई बार ट्रायल को सूट को जो डिले करने की कोशिश करता है या उसकी एग्जीक्यूशन डिक्री uh, जो उसके अगेंस्ट होती है उसको एग्जीक्यूट uh, uh, नहीं होने देता है फॉर दिस द डिफेंडेड सम टाइम ट्राइज टू रिमूव द डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ड्रजन कई बार जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उसको डिफेंडेड जो है डिस्पोज ऑफ या रि मूवूव करने की कोशिश करता है फ्राम दिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड समाइम ही हिम सर्ट ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द जिजन ऑफ कई बार वो खुद भी उस कोर्ट के डिजिट्रक्शन से भागने की कोशिश जो है करता है द पर्पज ऑफ ऑल दिस इज दैट द डिग्री शुड बी एग्जीक्यूटेड इन एनी वे इस सभी का पर्पस ही होता है ताकि डिग्री उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट ना हो पाए वेन आविट अपेयर द पेन्टिव अगर प्लेटिव को लगता है कि ऐसा डिफेंडेड कुछ करने वाला है तो वो एप्लीकेशन कोर्ट में ऑर्डर थर्टी एट सी पी सी कैंटर लगा सकता है जहाँ पे फिर उस डिफेंडर को उस प्रो, उस प्रॉपर्टी को या तो अटैच कर लिया जाएगा या जा उस डिफेंडर को अरेस्ट भी वहाँ पे किया जा सकता है अब इससे रिलेटेड एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे तो अब किस तरीके से एक कोर्ट में इंटरलिक्यूटरी एप्लीकेशन रिगार्डिंग द अटैच अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है लगाई जा सकती है तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ आ जाएगा कोर्ट का नाम पार्टीज के नाम वहाँ पे आ जाएंगे ओरिजिनल एप्लीकेशन किस परपज से लगाई सूट किस पर्पज से लगाया सूट फॉर रिकवरी ऑफ सेवेंटी थाउजेंड का ओरिजिनल केस है आ, और आप एप्लीकेशन किस ऑर्डर के अंडर लगा रहे हो तो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर थर्टी एट रूल फाइव सी पी सी के अंडर आप एक एप्लीकेशन इस केस के अंडर लगा रहे हो द इट इज़ हमर रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेंटिव एप्लीकेंट दैट तो सूट फॉर सत्तर हज़ार की रिकवरी का मामला है तो यहाँ पे कैसे जो है डिफेंडेड जो है एग्जीक्यूशन को जो है रोकने की कोशिश कर रहा है उसकी डिग्री की तो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ दैट द प्लेट ऑफ द रिकवरी ऑफ सेवेंटी थाउजेंड हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिव अगेंस्ट द डिफेंडेड इन द कोर्ट विच इज अंडर द कंसिडरेशन तो यहाँ पे प्लेंटिव सबसे पहले ये बताएगा कि सत्रह हज़ार की रिकवरी का मामला जो है पेंटिफ ने डिफेंडेड के अगेंस्ट जो है यहाँ इस कोर्ट में चला रखा है जो कि अंडर कंसिडरेशन अभी है दैट द डिफेंडेड इज वेरी इज अ वेरी कनिंग पर्सन एंड वॉन्ट टू अवॉर्ड द डिक्री ऑफ द कोर्ट अवॉइड होगा यहाँ पे तो डिफेंडर जो है वो बहुत कनिंग इंसान है और यहाँ पे वो कोर्ट की डिग्री को अवॉइड करना चाहता है दैट द रिस्पोंडेंट इज़ ओनली ओनली हाउस इन पोजेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही डज नॉट हैव एनी मूवल इमो प्रॉपर्टी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस इज अनेक्स्ट तो रिस्पोंडर जो है उसके पास सिर्फ एक घर है इसके अलावा उसके पास कोई मूल मूल्य प्रॉपर्टी नहीं है तो घर की वो डिटेल दे रहा है ताकि उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ पे क्या किया जा सके अटैच किया जा सके ताकि वो भाग ना सके कहीं पे दैट द प्लेंटिव हैज़ जस्ट कम टू नो दैट द रिस्पोंडर्ड हैज़ एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मिस्टर कोई भी हो सकता है यहाँ पे टू सेल हिज हाउस एंड हीज़ इज़ सून गोइंग टू गेट द सेल डीट एग्जीक्यूटेड एंड जिस्टेड तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पेंटिव को पता चला है कि रिस्पोंडेंट के पास जो घर है वो उसको जो है किसी मिस्टर सी या डी को बेचने की तैयारी कर रहा है और उसने उसके लिए उसने जो है सेल डीड एग्जीक्यूट और रजिस्टर्ड कर ली है दैट इफ़ द डिफेंडेड सक्सीडेड इन दिस एक्ट दैट द डिक्री पास इन फेवर द पेन्ेंटिव विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड द डिक्री शैल बिकम इनफ्रक्शियस तो अगर यहाँ पे पर डिफेंडेड जो है जो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने में सफल हो जाता है तो कल को सत्रह हज़ार की डिक्री प्लेटिव के फेवर में आएगी तो उसके पास तो कुछ और है ही नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के ही पैसे पूरे करने हैं तो वो प्रॉपर्टी वो किसी और को बेच रहा है तो इस तरीके से कोर्ट की दी हुई डिक्री जो है उसका कोई मतलब वहाँ पे नहीं रह जाएगा इनफ्रक्टेस्ट डिक्री वो बन जाएगी तो इसीलिए वो बोल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को जिसको वो बेचने की कोशिश कर रहा है उसको वहाँ पर क्या किया जाए उसको यहाँ पे रोक दिया जाए ऐसा करने से देयर फॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑनरेबल कोर्ट टू पास एन ऑर्डर टू अटैच द एलिज हाउस ऑफ़ द रिस्पॉन्डेंट इसलिए जो है वो कोर्ट में रिक्वेस्ट uh, कर रहा है कि जो रिस्पोंडेंट का जो घर है उसको uh, जो है यहाँ पे अटैच कर लिया जाए जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन है अटैच करने का मतलब ये हुआ कि वो उस घर को किसी और को नहीं बेच सकता क्योंकि उसने प्लेंटिव का सत्तर हज़ार देना है और जब डिक्री प्लेंटिव के फेवर में आ जाएगी तो फिर वो अपने सत्तर हज़ार कहाँ से पूरे करेगा हो सकता है उसको इस घर को ही बेचना पड़े तो इसलिए इस घर को किसी और को ना बेचने दिया जाए इस घर को जो है इस प्रॉपर्टी को अटैच वहाँ पे कर लिया जाए तो ये है एप्लीकेशन इस अब यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे प्लेटिव एप्लीकेट के एडवोकेट के सिग्नेचर आ जाएंगे जो प्लेस का नाम आ जाएगा डेट आ जाएगा उसके बाद जो है आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं तो वेरीफिकेशन आपको पता किस तरीके से यहाँ पर की जा सकती है थैंक यू सो मच